अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली आ चुके हैं गेमिंग सेटअप टूर के साथ। भाई बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज वगैरह आ रहे थे इंस्टा पे और फेसबुक पे भी कमेंट्स आ रहे थे इवन के यार गेमिंग सेटअप दिखा दो, अपनी गेमिंग पीसी दिखा दो। तो लास्ट तक देखना वीडियोस गाइस और आप लोग काफ़ी मज़ा आएगा। और गाइस मैं आप लोग बताऊं कि डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग फेसबुक फॉलो कर लेना क्योंकि हम डेली लाइव आए करेंगे फेसबुक पर। और वीडियो लास्ट तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे डिटेल्स वगैरह लिख दूंगा। और मैं गाइज एक अनाउंसमेंट करूं आप लोगों के साथ कि 200K पे हम करेंगे फेस रिवील अपना, और हम फिर व्लॉगिंग भी शुरू करेंगे अपनी, क्योंकि मैं फ्रांस में रहता हूं तो आप लोगों को बाहर की व्लॉग्स भी देखने को मिल जाएंगे। और जल्दी से 200K करा दो गाइज, फिर हम अपनी फेस रिवील भी कर देंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट तक वीडियो देखना, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में गाइज। ये था आपकी भाई का गेमिंग पीसी। तो मुझे गाइस कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कैसा लगा। और आप लोगों ने ये जरूर नोट किया होगा, ये जो पाकिस्तान फ्लैग और अखिल गेमिंग वाइटी और पीछे बैकग्राउंड में जो लगा हुआ है क्रू चैलेंज, तो जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं उनको तो पता होगा क्रू चैलेंज विनर कौन था। वो तो आपका भाई था जिन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग रिप्रेजेंट किया था। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो आउटफिट आप लोग देख सकते हो जूम करके ना, ये सेम आउटफिट है और मुझे काफ़ी कूल लगा। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को ये इंट्रो कैसा लगा। तो मैंने ना इसको वाम पे ना सेट किया, अपने वॉच पे भी ना ये लगा हुआ है, मुझे काफ़ी पसंद आया ये चीज़। तो सबसे पहले चलो मैं आप लोगों ने यहाँ पे कीबोर्ड दिखा दो अपना। तो यहाँ पे आते कि सबसे पहले कीबोर्ड की तरफ, ये जो कीबोर्ड है गाइस ये माउंट एवरेस्ट का कीबोर्ड है और मुझे ना ये पूरे 300 यूरो का मिला था। मुझे काफ़ी महंगी मिली क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ और इंग्लिश कीबोर्ड यहाँ पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऑनलाइन मिल जाता है। तो मैं इसको उल्टा करके शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसकी ना वायर आप लोग लेफ्ट राइट मिड या ना कहीं पे भी आप चेंज कर सकते हो, ये चेंज हो जाता है। तो जहाँ ना आप लोगों को जो एडजस्ट होता है जहाँ पर आप उन्हें बेहतर लगते हैं। तो इसकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जो सबसे जो पहले चीज़ है ये ना साउंड एडजस्ट, साउंड वगैरह एडजस्ट करने के लिए होती है। तो ये आप लोग लेफ्ट राइट ना कहीं पर भी ये लगा सकते हो। जैसे मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर माउंट का लोगो आया, उसके बाद फ़ौरन से आपके भाई का लोगो यहाँ पर आ गया। तो ये साउंड वगैरह एडजस्ट करने के लिए होता है, आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग लेफ्ट या राइट कहीं पर भी लगा सकते हो। या मैं राइट पे लगाता हूँ, काफ़ी मुझे राइट पे सही पड़ता है, राइट में ना मेरी हाथ बैठ जाती है। दूसरी चीज़ की आती है नंबर पैड, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो इसकी जो नंबर पैड वगैरह होती है यहाँ पे ना। तो इसको भी ना एडजस्ट कर सकते हो, लेफ्ट राइट आप कहीं पे भी लगा सकते हो। इसको ना यहाँ पर मैं एडजस्ट करता हूँ लेफ्ट पर लगाने की, आई मीन राइट पर। तो इसको यहाँ पे जैसे कनेक्ट किया 2-3 सेकंड ये भी लेते हैं स्टार्ट होने में, फ़ौरन से स्टार्ट होता है। और इसमें ये फीचर है कि मुझे यहाँ पे माइक्रो कीज़ वगैरह मिल जाते हैं। ये जो माइक्रो कीज़ है गाइस आप लोगों को पता होगा स्ट्रीम के लिए बहुत काम आते हैं। फ़ौरन से मैंने ये भी क्लिक करी तो डिस्कॉर्ड खुल गया। ये ना कस्टमाइज भी मैं कर सकता हूँ, ये अपने ना मतलब रख सकता हूँ खुद भी। तो इसकी जो तीसरी चीज़ है वो आती है ये फॉर्म, ये ना यहाँ पर बस कनेक्ट हो जाता है, इसमें ना मैगनेट लगी हुई है। तो जैसे आप यहाँ पर रखते तो ये क्लिक की आवाज़ करके ना बस कनेक्ट होता है। तो ये तो हाथ रखने के लिए यहाँ पे होता है, ये काफ़ी मतलब मज़े की चीज़ है, मतलब हाथ वगैरह ना मेरे ना बिल्कुल भी नहीं थकते। कीबोर्ड तो आप लोगों ने दे लिया गया, इस कीबोर्ड को ना थोड़ा सा हम राइट पे करते हैं और यहाँ पे आते हैं हम माउस की तरफ। और ये देख सकते हो माउस मैंने ना लॉजिटिक का लिया होता है, इसका जो माउस पैड है वो भी लॉजिटिक का है। तो काफ़ी मज़े की चीज़ है, ये मुझे 100 यूरो का मिला, ये भी काफ़ी महंगी मिली। ये ना यहाँ पर वायर लगा के चार्ज भी होता है और ये चार्ज इसको करो तो ये तकरीबन 24 घंटे या 25-28 घंटे ना फुल चला देता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी फीचर्स है, काफ़ी बटन्स वगैरह हैं, देख सकते हो तीन तो इसके लेफ्ट पे हैं, दो ऊपर हैं और बाकी ये जो मेन हो गए इसके लेफ्ट राइट वाले और दो ये रहे हैं। तो इसकी ना फीचर, एक फीचर मैम मुझे काफ़ी इसकी पसंद आई, जो इसकी व्हील है तो ये इसके ना दो मोड है,
एक नॉर्मल सा हो गया और एक फुल स्पीड वाला। ये मुझे काफ़ी इसकी जो फीचर है वो पसंद आया, तो काफ़ी मज़े की चीज़ है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये माउस। और 100 यूरो का मुझे मिला तो मैंने ये लिया था। माउस और कीबोर्ड तो हमारे हो गए, मैं अभी आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जो मॉनिटर है ना वो शो कराता हूँ। तो गाइस ये मॉनिटर मुझे ना पूरे 600 यूरो का मिला था, ये भी काफ़ी महंगी मिली। तो मैं इसका ना रीज़न बताता हूँ ये मुझे इतनी महंगी मिली क्यों। गाइस इसका जो मतलब इतना एक्सपेंस है मुझे इस वजह से मिला क्योंकि इसमें ना 240 हर्ट्ज़ हैं। और हर्ट्ज़ तो आप लोगों को पता होगा गाइस, जितने ज़्यादा हर्ट्ज़ होंगे उतनी ज़्यादा FPS मिलती हैं। जिस तरह आप लोगों के फ़ोन में अगर 90 हर्ट्ज़ होते हैं तो आपको 60 FPS मिल रही होती है, या 90 FPS मिल रहे होते हैं, या 120 है तो आपको 90 ना। तो इसमें ना आप लोग समझो 1 ms चलती है, 1 ms, और 240 हर्ट्ज़ मतलब 240 FPS मुझे मिलते हैं इसमें। अगर जो गेम ना प्रोवाइड करती है 240 FPS जो अगर गेम मुझे देगा तो मुझे इसमें ना मिल जाएंगे इजीली। तो ये जो मॉनिटर ये फ्लैट नहीं है, मैं भी ऊपर से शो करता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो ये थोड़ा ना कर्व्ड है, मतलब थोड़ा ना यू टाइप है। तो लास्ट में आते हैं CPU की तरफ, जो कि सबसे महंगी मुझे जो पड़ी है ना वो CPU पड़ी है, और ये ना मुझे 3300 यूरो की पड़ी है। मतलब 3300 यूरो काफ़ी मतलब बड़ी ना रकम है, और मुझे टैक्स वगैरह भी देने पड़े, और चीज़ें मैं आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ उसके अंदर चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले आते हैं इसके रैम्स की तरफ। इसके जो रैम्स है ना, दो रैम्स मैंने लगवाए हैं 16 GB की, मतलब 32 GB के इसके रैम्स हो गए हैं। और बाकी जो इसमें रहते हैं लिक्विड कूलर जो है, ये मतलब कॉर्सेयर की ना लिक्विड कूलर है, आप लोग ये सामने देख सकते हो, सामने जो 3 फैंस लगे हैं ना ये मतलब लिक्विड कूलर के हैं। तो ग्राफिक कार्ड जो मैंने लगाई वो 3080 की लगाई है मैंने, GeForce RTX 3080। और बाकी जो ऊपर 3 और फैन लगे हुए हैं, और बाकी दो रैम्स मैंने बता दिए हैं, लिक्विड कूलर हो गई। और इसकी जो मदरबोर्ड है वो MSI का लेटेस्ट, जिसमें ना वाईफाई लगी होती है, मैं आप लोगों को शो कर रहा था। नीचे पीछे ना दो एंटीना लगे हैं, मुझे ना इसमें कोई वायर वगैरह नहीं लगाने पड़े, मुझे ना सीधा इसमें ना वाईफाई मिल जाती है, मतलब जिस तरह लैपटॉप में वाईफाई आ जाती है ना, तो सेम इस CPU में ना मुझे वाईफाई मिल जाती है। तो ये था गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। और लास्ट में जो एक मेरी और चीज़ रहती है, मैकबुक रहती है। मैकबुक ना मेरे जो ये मैकबुक ना मेरे अबू के हैं, वो इतना यूज़ नहीं करते, तो ये मतलब मेरे साथ ही होता है हर वक्त, मैं यूज़ करता हूँ। और कहीं ट्रैवल वगैरह करना हो तो मैं अपने साथ ही ले जाता हूँ चैनल वगैरह देखने के लिए ना, तो ये मेरे साथ ही होते हैं। तो भाई ये रहा, और इंशाल्लाह फ्यूचर में ना हम एक और भी मॉनिटर ले लेंगे जो कि इस साइड पे होगा, 4K की होगी, और चैट्स वगैरह के लिए ना भी हम एक और ले लेंगे। तो गाइज मैं एक और बार बताता चलूँ आप लोगों को ना, हम बहुत जल्द स्ट्रीमिंग करेंगे फेसबुक पे, शायद हो सकता है इसी इस वाले जो वीकेंड्स हैं ये जुम्मे से हम शुरू करेंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फेसबुक का, आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना, तो हम डेली लाइव आया करेंगे फेसबुक पे, और इंशाल्लाह कंटेंट भी हम डेली लाया करेंगे यूट्यूब पे ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, और अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।